भारत विकास परिषद शाखा मैत्री का होली मिलन की धमाकेदार मीटिंग मिगलानी सेलिब्रेशन में संपन्न हुई। होली मिलन कार्यक्रम में होली गीत नृत्य के साथ साथ कई रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुए। हाउजी की थीम भी होली के गीतों पर आधारित थी। सभी प्रतिभागी होली के रंग में रंगे नजर आए। मैत्री शाखा के अध्यक्ष किशोर अग्रवाल ने सभी सदस्यों को उपहार देकर होली का मजा दोगुना कर दिया। सदस्यों ने होली गीत भी गाए। इस अवसर पर अध्यक्ष किशोर अग्रवाल, सचिव आशीष बंसल, कोषाध्यक्ष प्रशांत त्यागी, संजय धवन, हिमांशु मेहरा, अजय कट्टा, डॉक्टर अनुपमा, नीतू, भावना धवन आदि सदस्य मौजूद रहे। संचालन ऋतिका अग्रवाल ने किया। आए हो ससुराल में मिस कॉल की तरह, धक्का है तेरा इश्क लोकपाल की तरह, और झाड़ू थमाकर हाथ में साली ने ये कहा, झाड़ू थमाकर हाथ में साली ने ये कहा, जीजा जी लग रहे हो केजरीवाल की तरह ना, कि हिमालय की चोटी पे जा पहुंचे और खुदा भी तुझसे ये पूछे अबे गधे उतरेगा कैसे। आज कौन सा कार्यक्रम है और किसके द्वारा है? हमारा भारत विकास परिषद मैत्री संस्था है, ये सामाजिक संपर्क समाज के लिए हमेशा ही अग्रणी रहती है सेवा कार्यों में। आज हम लोगों का होली उत्सव का कार्यक्रम है जिसे हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। मैं अध्यक्ष किशोर अग्रवाल, भारत विकास परिषद मैत्री। आज हम लोग मिलानी सेलिब्रेशन में अपना होली उत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं। इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रतिका अग्रवाल जी कर रही हैं और सभी महिलाएं इसमें आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट कर रही हैं, विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति दे रही हैं। और हमारी एक संस्था जो है ये सामाजिक संस्था होने के साथ साथ हम लोग फैमिली गेट टुगेदर भी करते रहते हैं इसमें, ताकि आपस में मेलजोल बना रहे और सब मिलजुल के हम सामाजिक कार्यों में हमेशा ही समाज के लिए जो भी आवश्यकता होती है उसमें अपना पूरा तन मन धन से सहयोग कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे महानगरवासियों से होली का समय? महानगरवासियों से हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे देखिए मुरादाबाद में हमने देखा है क्लब कल्चर काफ़ी ज़्यादा है, वो भी अच्छी चीज़ है। साथ साथ में इस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए जो इनकी मूल भावना केवल सामाजिक कार्यों के लिए ही करने के लिए होती है। और सभी प्रकार के हम कार्य करते हैं। हमारा एक प्रकल्प जो है राम गंगा विहार वाला मुक्ति स्थल जो है मोक्ष धाम, वो हमारी संस्था द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो वो हम इस प्रकार के कुछ प्रकल्प लेके अपने साथ चलते हैं जिससे समाज का कुछ भी सहायता कर सके तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं।